मुद्दा एक बार फिर छात्रों का, छात्रों के भविष्य का, और इस बार मुद्दा है मेडिकल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का। नीट यूजी परीक्षा का जो रिजल्ट सामने आया है उसमें गंभीर तौर पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। देश भर में छात्र छात्राओं का इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। परीक्षा फिर से कराने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनटीए इस मामले में कह रहा है कि परीक्षा में किसी तरीके की कोताही नहीं बरती गई है, अगर समिति को जरूरत पड़ेगी तो परीक्षा फिर से होगी। हालांकि कई सवाल जन्म ले चुके हैं। पहले देखिए यह रिपोर्ट, समझिए कि क्या क्या हुई है धांधली, फिर करेंगे अपने सहयोगियों से चर्चा। नीट यूजी रिजल्ट पर सवाल, परीक्षा में धांधली का आरोप, छात्रों में आक्रोश, जांच की मांग। नीट यूजी के रिजल्ट पर बवाल मचा है, छात्रों में आक्रोश है, परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। 67 छात्रों को मिले 720 में से 720 अंक। टॉपर्स में 8 छात्रों के रोल नंबर एक ही सीरीज के, सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 के 8 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट्स बने टॉपर। 6 टॉपर छात्र हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से, 8 में से 7 स्टूडेंट्स का सरनेम लिस्ट में नहीं। 2 छात्रों को मिले 719 और 718 अंक। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट सामने आने के बाद छात्रों में आक्रोश है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों के समर्थन में मेडिकल की तैयारी कराने वाले संस्थान आगे आए हैं और एनटीए से जांच की मांग की है। और धांधली है कि भाई जैसा कि पेपर के माध्यम से खबर मिला हम लोगों का, क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, एक पार्ट है उसका जांच होना चाहिए। दूसरा है कि जो ग्रेस मार्क्स मिला है ना, ग्रेस मार्क्स का कहीं ब्रोशर में कहीं मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं मेंशन है। जो बच्चे टाइम पे आए उनको मार्क्स नहीं, जो लेट से आ रहे हैं उनको ग्रेस मार्क्स, तो कौन सा ट्रेंड नया चालू हो रहा है? लेट से आने वाला को बच्चे टूट चुके हैं, बच्चों का परीक्षा से भरोसा उठ चुका है। बच्चे जब पेरेंट्स उनको समझा रहे, हम लोग समझा रहे, बाबू कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेहनत करो, तो अब वो जो पहले वाला एनर्जी है उनमें नहीं रहा। उनको डर है कि हम साल भर मेहनत करेंगे, फिर कहीं क्वेश्चन लीक हो जाएगा, किसी को ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। तो बच्चे जिस तरीके से मेहनत करना चाहिए उस तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। आप इसे फाइंड आउट करें, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है, आप ग्रेस मार्क्स दिए हों या जो भी है, वो सब चीज को हटाए। ग्रेस मार्क्स हर बच्चा को कोई ना कोई कहीं पे टाइम का प्रॉब्लम हर एक सेंटर पर लगभग थोड़ा बहुत होता है, तो आप तो किसी को ग्रेस नहीं देते हैं। हमारे यहाँ की बच्ची है, उनका तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, जो शुरू से बोल रही एग्जाम देके आई कि मेरा इतना 701 मार्क्स आएगा, 701 ही आया, उनको तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, और भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, तो कोई एक पर्टिकुलर जगह को ही बच्चे को ही ग्रेस मार्क्स आप तो दे रहे हैं। नीट का रिजल्ट आए 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन कंफ्यूजन बरकरार है। नीट पेपर लीक और नीट रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों ने लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स को परेशान कर रखा है, लेकिन एनटीए ने परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। एनटीए ने पेपर लीक से किया इनकार, रिजल्ट में गड़बड़ी से भी किया इनकार। समय की बर्बादी पर कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 4,750 केंद्रों में से ये समस्या सिर्फ 6 केंद्रों तक सीमित, सिर्फ 1600 छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ा। ग्रेस मार्क्स की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन, समिति के सिफारिश पर होगी कार्रवाई। The whole exam process has been very transparent and the integrity of the exam was not compromised at all. And TA categorically like stated in our press release. So we like assure all the student community that the exam has been done with full integrity. So नीट यूजी की परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे, लेकिन पहली बार 67 छात्रों को नंबर 1 रैंक मिला है। ऐसे में मेडिकल की तैयारी में जुटे छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाना, रिजल्ट में धांधली का होना आम बात हो गई है भारत में, हमारे देश में, लेकिन लाखों लाख छात्रों का भविष्य इस कारण से अंधकार में पड़ जाता है। जो मानसिक दबाव बनता है वो पूरे परिवार पर बन जाता है, कई लोग अपना मनोबल तोड़ देते हैं, टूट जाता है मनोबल उनका। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं रांची से और जमशेदपुर से,
मनोज जुड़ रहे हैं। पहले मनोज का रुख करते हैं। मनोज, 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, 24 लाख से ज्यादा छात्रों की किस्मत कह लें, 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य कह लें, इस वक्त दांव पर लगा है। देश भर में विरोध हो रहे हैं, परीक्षा में धांधली का आरोप लग रहा है। मनोज, देखिए निश्चित तौर पर यह कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी जब एग्जाम लिए गए उसका भी पेपर लीक हुआ और इस एग्जाम का भी, नीट का भी पेपर लीक हो गया, जिसको हालांकि ये आधिकारिक तौर पे वो लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं, उनके परिवार के लोग जो हैं, जिन लोगों को पूरा उम्मीद लगा रहता है कि जो मेरे बच्चे जो है कि इतना अथक प्रयास करें, 24 घंटा में 20-20 घंटा 18-18 घंटा विद्यार्थी मेहनत करते हैं और उसका एग्जाम देते हैं, एग्जाम का जब रिजल्ट आता है और उसके बाद ये सामने आता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हो गया है, तो ये अपने आप में ये झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि ये व्यवस्था कैसी है, जो व्यवस्था आप सुदृढ़ करते हैं एग्जाम के लिए और उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। हालांकि कोई पहली बात नहीं है कि पहली बार अगर ये लीक हो गया है तो इसको लेकर हाय तौबा मच रहा है। इससे पहले भी कई बार लीक हुआ, देश के बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम में पेपर लीक कर दिए गए और लीक हुआ और उसका परिणाम हुआ कि जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं भले ही सलाखों के पीछे हैं लेकिन उनका मनोबल कितना बड़ा हुआ है, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उनका समय किल होता है, उनका उम्र खत्म हो जाता है, उन विद्यार्थियों को तैयारी करते करते एक उम्र हुआ, उम्र के बाद में वो रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया, तो ये कहीं ना कहीं पूरे बच्चे का जो विद्यार्थी है उनका मनोबल तोड़ना, उनके परिवार का मनोबल टूटता है और साथ साथ देश के जो होनहार युवा है वो उनका भविष्य जो है अधर में लटक जाता है। 18 से 20 घंटा एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों पर क्या गुजरता होगा, जब रिजल्ट आया तो लोगों के अंदर कितनी खुशी हुई कि चलो जो विद्यार्थी पास हुए तो ये लगा कि कम से कम मेहनत किया, मेहनत का नतीजा तो सामने आ गया, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठता है कि ये कैसी व्यवस्था कि पेपर लीक हो जाता है और जो बच्चे जो एग्जाम देते हैं इतने मेहनत करके उनका मेहनत जो है कि 2 मिनट में पानी में मिल जाता है, आखिर इनका भविष्य, इनका जो मेहनत और इनका समय जो किया हुआ आखिर वो कौन लौटाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इसके लिए प्रशासन और सीधे तौर पे जो व्यवस्थाएं हैं वो जिम्मेवार है कि पेपर कहां से लीक होता है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे तो हैं जो उस पूरे रैकेट में लगे हैं, इस रैकेट के कुनबा को लगातार तोड़ा जाता है लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि अब नीट का एग्जाम आया, नीट के एग्जाम में अब ये मामला सामने आ गया कि पेपर लीक हो गया, बच्चे सड़क पे उतर गए क्योंकि उनके भविष्य की बात है और उसके बावजूद भी अगर कोई एक अच्छी पहल नहीं हो तो निश्चित तौर पे विद्यार्थी और उनके जो परिजन है वो जो परेशानी है उनके लिए बना रहेगा। जी मनोज, पेपर लीक की भी शिकायत शुरू में आई थी और उसके बाद परीक्षा हुई, लेकिन अभी जो शिकायत है वो 100% अंक लाने की शिकायत है, जो एक बहुत बड़ी शिकायत है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश और मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार राजेश का रुख करते हैं। राजेश, नीट का रिजल्ट सामने आया और 3 दिन हुए रिजल्ट के आए हुए, 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा लिखी, लेकिन इस बार नीट की परीक्षा ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 67 बच्चों को 100% अंक आ गए, 720 में 720 अंक आ गए 67 बच्चों को, उनमें 8 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सीरियल नंबर के बच्चे हैं, उनका रोल नंबर एक ही सीरियल नंबर से शुरू होता है, और जो सबसे गंभीर बात है कि उन 8 बच्चों में 6 बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा के एक कोचिंग सेंटर से आते हैं, एक ही कोचिंग सेंटर से, और किसी का सरनेम लिस्ट में नहीं दिया गया है। राजेश, देखिए तभी तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। देखिए मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं वो अगर अपने टैलेंट के हिसाब से पढ़ाई करते हैं वो और कोचिंग करते हैं बाहर रहकर, उनके माता पिता इतने खर्च करते हैं, अब बहुत उम्मीद लगा के बैठते हैं कि उनका बच्चा या स्टूडेंट अपने ही स्तर पर ये मानता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन जब इस तरह के परिणाम आते हैं तो घोर निराशा होती है। क्योंकि हम देखिए एक इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं यहाँ पर हमारे साथ, हम उन्हीं से उनकी भावना शेयर करेंगे। ये बताइए कि जो रिजल्ट आया है उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? बहुत निराश हैं रिजल्ट से, क्योंकि ये लेवल नहीं होना चाहिए एक रिजल्ट का, जो कि शुरू से चलते आ रहा है। नीट का जो रिजल्ट रहता था ऑलमोस्ट 3-4 टॉपर रहते थे जो 720 में 720 लाते थे, पर इस साल 67+ टॉपर्स हैं जो 720 में 720 लाए,
क्या ये पॉसिबल है एक ही सेंटर से आठ आठ? लगता ही असंभव है, क्योंकि जो आज तक टोटल बच्चे लाए हैं वो एक इस साल मतलब ला दिए 67, आज तक टोटल भी हमको नहीं लगता 67 स्टूडेंट्स लाए 720। आप इधर बच्चियां भी है, आप लोग पढ़ती हैं बहुत, कितने समय से पढ़ रही है, तैयारी कर रही है नीट की? सर एक साल से। और आपने रिजल्ट के बारे में सुना है कि किस प्रकार की किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? सर एनटीए से हमें बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए। जैसे इस बार जो नीट के रिजल्ट्स आए हैं वो 718-719 मार्क्स आए। अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और अटेम्प्ट करके छोड़ता है तो उसका मार्क्स 715 होना चाहिए, अगर अटेम्प्ट नहीं करता है तो 716 होना चाहिए। लेकिन सर 718-719 ऐसे कैसे मार्क्स आ सकते हैं? क्या कुछ ग्रेस का भी मामला है? हाँ, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया है कुछ बच्चों को, ऐसा बोला जा रहा है। और उसके वही का उसी के जवाब चाहिए हमें, क्यों मिला है ग्रेस? हाँ, क्यों मिला है? आपको क्या गड़बड़ी लग रही है? वही बात है कि जैसे कि 700 भी, जैसे इन्होंने बताया 719 और 718 मार्क्स पॉसिबल नहीं है, तो ये एनडीए क्या हमें समझ रही है कि हम लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि इतना किसी को आएगा। और एक सेंटर से किसी बच्चे का 720 में 720 कैसे आ सकता है? अगर एनटीए अपने को मानती है कि हम टफेस्ट एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो ये तो भाई फिर क्या ही टफेस्ट एग्जाम। एनटीए का कहना है कि बहुत सोचिता मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा का आयोजन किया गया, फिर गड़बड़ी की आशंका आप लोगों को कैसे लगती है? मेरा बोलना यही चाहूँगा कि एनटीए की ये रूल कब से आया कि ये ग्रेस मार्क्स का ये रूल कब से आया? ये पिछले साल तो लागू नहीं हुआ था कि कोई बच्चा अगर अटेम्प्ट नहीं करता उसको भी अगर 716 आते हैं, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं भी करता है। आप लोगों की क्या मांग है? आपने अवेल किया था ये एग्जाम? नहीं, मैंने नहीं किया। करेंगे आप? यस, करेंगे। लेकिन जो आप इससे सहम गए हैं कि रिजल्ट ऐसे भी होते हैं? तो रिजल्ट ऐसे भी होते हैं, मतलब हम लोग को देख के लगा कि एक एक सेंटर से बहुत सारे बच्चे का, मतलब एक सेंटर से कम 7-8 बच्चे का 720 आ गया, तो वो पॉसिबल कैसे हो जाए कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे का 720 आ जाएगा? और फिर मतलब 715 आ सकता है कि मतलब एक बच्चा एक अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो 715 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उसको 718 आ रहे हैं, ग्रेस मार्क्स क्यों मिल रहा है उसमें? वैसे आपको क्या कहना है, क्या शिकायत है आपको? कहीं आपके मनोबल में कहीं कोई गिरावट तो नहीं आई इस रिजल्ट से? हम लोग को तो रीनीट चाहिए पहली बात, एनटीए को अगले साल से तो लेना नहीं चाहिए उसको, रीबॉडी न्यू बॉडी उसको परमिशन मिलेगा, नई एजेंसी को दिया जाना चाहिए एनटीए की जगह। Yes. राजेश, बच्चों को एक जानकारी जरूर दे दीजिए कि 4750 केंद्रों में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, समय की बर्बादी की शिकायत मिली थी, और उन 4750 केंद्र के बच्चों में जिनमें जिनकी देरी हुई थी आने में या उनको पेपर लेने में देरी हुई थी, ये ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए थे। और अब 4 सदस्यीय पैनल बनाया गया है इस पूरे ग्रेस मार्क की जांच के लिए। नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, रिजल्ट में गड़बड़ी के मामले पर घमासान जारी है, सड़क से विरोध शुरू हो गया, पता नहीं विरोध कहां तक जाएगा, बच्चों का विरोध है और हजारों लाखों बच्चे, 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ। रुक करते हमारे सहयोगी राजेश और मनोज हमसे जुड़े हुए हैं। राजेश, तुरंत आता हूं आपके पास, मनोज से एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं। मनोज, सड़कों पर विरोध शुरू हो गया है, देश का भविष्य माने जाने वाले बच्चे सड़क पर है, क्या लगता है, क्या समाधान निकल सकता है, क्या निर्णय लेना चाहिए एनटीए को इस मामले में? देखिए, निश्चित तौर पे समाधान तो करना ही पड़ेगा इन बच्चों को, विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर। ये समाधान की या तो एक कमिटी फॉर्म जो की गई है वो कमिटी निर्णय ले, या नहीं तो सीधे तौर पर जो ग्रेस मार्क का जो मामला है उस पर कम से कम कमिटी को ठोस निर्णय लेना होगा, तब जाकर जो विद्यार्थी है उनके भविष्य जो है वो समझ सकते हैं। हमारे साथ एक छात्रा है जो 720 नंबर लेकर आई है, वो हमारे साथ है, हम चाहेंगे कि इस बार इससे ही बात करें। 720 नंबर लेकर आई है और पूरे देश में इसको लेकर हाय पवा मच गया है, क्या कहेगी? टेस्ट को बहुत ही सीरियसली लिया, हमेशा प्रैक्टिस किया और मेरे टेस्ट में भी इतने मार्क्स आ जाते थे कि मुझे बिलीव था कि मेरा नीट भी अच्छा जाएगा। और जब मैंने नीट का पेपर दिया और मैं जब घर में आकर अनंत मैंने चेक किया था तो मेरा ये था कि 720 तक आ जाऊंगी। और जो ये ग्रेस मार्किंग वाले बात है तो मुझे भी लगता है कि गलत है, क्योंकि वो प्रेशर जो होता है वो टाइम हमें वो टाइम से हम मार्क्स नहीं
से कर सकते, क्योंकि जो प्रेशर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। भले ही हमारे जितने भी टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए उससे भी वो हमारा 99% डिसाइड करता है कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, पर वो 1% होता है वो उस डे पर वो एग्जाम डे पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा प्रेशर जो होता है जो रियल प्रेशर वो एग्जाम डे ही समझ में आता है। तो उससे क्या होता है कि सीए ये सब होने के भी चांसेस होते हैं। तो ग्रेस मार्क को क्या मानती है जिसको लेकर पूरा जो 720 नंबर 700 से 720 नंबर एक दो बच्चे नहीं ये दर्जनों बच्चे को मिले हैं? मुझे ये गलत लगता है क्योंकि आज हम टाइम पर नहीं टाइम के बेसिस पर मार्क्स नहीं दे सकते, वो जो रियल होता है जो हम आंसर कर रहे वो होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर हमें आता है तब भी वो हम गलत कर कर आ जाते हैं, और जब हम आके देखते हैं कि वजह से गलती होती है, तो उस बेसिस पे कि अगर टाइम जाता तो ये सही ही होता है, ये हम 100% श्योर नहीं। मनोज आपकी ऑडियो थोड़ी हमें क्लियर नहीं मिल पा रही, दर्शकों आपकी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही, एक बार बने रहिएगा हमारे साथ, आप बात कीजिए जो छात्रा है उनसे, एक बार हम राजेश का रुख करते हैं। राजेश, ग्रेस मार्क को लेकर एक कमिटी बनाई गई है, लेकिन कमिटी केवल ग्रेस मार्क्स की जांच करेगी, जबकि बच्चों की डिमांड बच्चों का डिमांड है कि परीक्षा का आयोजन फिर से कराया जाए। देखिए जिस लेवल पर ये गड़बड़ियाँ हुई है उसको लेकर बच्चों में से तो यही कहना है इन लोगों का कि वैसे ही इन लोगों ने अवेल नहीं किया था, अगले साल ये लोग अवेल करेंगे, लेकिन जो बच्चे सफ़र किए हैं उनकी तो मांग है कि फिर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाए। और इन लोगों का भी कहना है कि जिस प्रकार से चीज़ें सामने आई हैं, जो गड़बड़ियाँ सामने आई है, वो NTA की विश्वसनीयता पर सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये NTA को अपने स्तर से ये साबित करना होगा कि परीक्षा के आयोजन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग इस जो परीक्षा हुई है? ठीक, आप उसमें थे? हम तो इस बार नहीं थे, हम नहीं। लेकिन आप चाहते क्या है और भी अपने साथी? हम तो यही चाहते हैं, इस साल तो मेरा दोस्त लोग भी दिया है, तो उन लोग का 6/6 आए 6/4 आए, कि उन लोग चाहता था कि हॉस्पिटल मतलब कॉलेज मिल जाए, तो अब गड़बड़ी हुई उसको लेकर क्या आप लोगों की मांग? मैं तो NTA से यही जानना चाहता हूँ कि जब नीट का रिजल्ट डेट था तो 14 जून को बोला था कि निकालेंगे, पहले तो आ गया। हाँ, पहले चार तारीख को आया इलेक्शन का। क्या चाहते हैं राजेश? वक्त की पाबंदी है, आखिरी सवाल पूछे कि बच्चे क्या चाहते हैं, एक स्वर में बोले आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग नीट का एग्जाम दे तो ऐसे ही स्कैम हम लोग के साथ ना हो, कि हम लोग को बड़ी बात कह दी है स्कैम आप लोगों के साथ। हाँ। बड़ी बात कह दी है छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने, कि जब हम लोग परीक्षा दे तो इस तरीके का स्कैम हमारे साथ ना हो। देश का भविष्य आपके सामने है, देश के भविष्य की बात को सुनिए, भविष्य को अंधकार में मत ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। जो बच्चे आपके साथ हैं, जो स्टूडेंट आपके साथ हैं, उनको न्यूज 11 भारत की शुभकामना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।